अभी ऑटो स्केलिंग में ना एक लैब बची है आपकी, हाँ ऑटो स्केलिंग काम कर रही थी कल, और मैंने सीपीयू एक्शन किया था तो उसके बाद स्टांस क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्रोविजन हो गया था ना। अभी एक काम और करना है कि ऑटो स्केलिंग जब भी बने ना, जब भी मेरा मशीन प्रोविजन हो, वो ऑटोमेटिकली बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में जाकर अटैच हो जाए अपने आप। जब तक मशीन बैलेंसर को जाके ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो बेनिफिट नहीं है मुझे ऑटो स्केलिंग का, क्योंकि जिस सिस्टम का लोड बढ़ गया है ना, उसका रीजन क्या है, ट्रैफिक। जिसका लोड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है सिस्टम का, उसका रीजन क्या होता है, ट्रैफिक था। और ट्रैफिक कम कब होगा, जब मेरे पास टारगेट नोड में क्या हो, टारगेट में मेरे पास इंस्टेंस ऐड होना स्टार्ट हो जाए, तो ट्रैफिक जैसे ही कम होगा सिस्टम के ऊपर से लोड अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अगेन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, बट विद बैलेंसर। मशीन बनेगा भी और जाके वो अपने आप बैलेंसर ज्वाइन करेगा। ठीक है ना, कैसे देखो कहाँ चलते हैं हम लोग दोबारा से। तो ये मेरी कंपनी की ईएमआई है जो लास्ट टाइम हम सेटअप कर चुके थे। इस ईएमआई से मेरे सिस्टम क्या हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, सेटअप होने के बाद मशीन अपने आप बनेंगी, बनने के बाद बैलेंसर को जाके ज्वाइन करेंगे अपने आप। मशीन अनहेल्दी होगा तो उसको डिलीट कर दो, उसकी जगह पर नया मशीन बना दो एक। अगर लोड ज़्यादा होगा तब भी नया मशीन बना दो आप। मशीन ऑटो स्केलिंग में रिक्रिएट होता है किस केस में, खाली बस अनहेल्दी वाले केस में। और अनहेल्दी मशीन कब होता है, जब कोई सर्विस डाउन हो गई, नेटवर्क फॉल्ट हो गया उसका, फाइल सिस्टम करप्ट हो गया। ठीक है, तो जो एक मैट्रिक्स थी ना वो फेल्ड हो गई ना, तो आपका मशीन क्या हो जाएगा, वहाँ से रीचेबिलिटी फेल्ड आएगी उसकी फिर। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक काम कर लेता हूँ, पहले एक बैलेंसर बना के छोड़ देता हूँ पहले ना, कहाँ जाके क्रिएट लोड बैलेंसर पे जा रहा हूँ मैं, जो कि लास्ट टाइम आप को ये सब बताइए। आई थिंक पहले से एक बैलेंसर बना हुआ है ऑलरेडी, और एक टारगेट ग्रुप भी क्या पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें से फालतू का ये जो टारगेट ग्रुप है इसको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी, बोल रहा है कि वीडियोज नाम का जो टारगेट है इसका लिसनर इसको यूज कर रहा है। तो पहले आप कहाँ जाओ, बैलेंसर में जाओ, और यहाँ से जाओ लिसनर में, और यहाँ से पहले क्या करो, पहले लिसनर में से लिस्टनर में जाओ पहले, और वहां से टारगेट को पहले डिटैच करो। यहाँ पे कुछ रूल पड़े हुए हैं ऑलरेडी, कहाँ लोड बैलेंसर में आओ, लिस्टनर में आओ, लिस्टनर में आने के बाद एडिट करो, और यहाँ कुछ रूल पड़े हुए हैं, इन रूल को यहाँ से डिलीट कर दो। इसके कौन से रूल को, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा क्या है, कहाँ आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक है, अभी एक रूल डिफॉल्ट है इसके अंदर, कौन सा वाला, कुछ भी मैच ना हो कहाँ भेज दो उसको, यहाँ डाल दो उसको। ठीक है भाई, तो अब इस टारगेट ग्रुप का बेनिफिट है नहीं, एक को इसमें से डिलीट कर दो, कौन से वाले को, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दो। अभी इसमें एक भी मशीन नहीं है ऐसा मानना है आपको, मैं इसमें से जो मशीन अवेलेबल है ना कोई नहीं है इसके अंदर, एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है, क्योंकि मशीन बनाए, मशीन कहाँ से बनेगी, ऑटो स्केलिंग मशीन बनाएगा और ऑटोमेटिकली आगे बैलेंसर ज्वाइन करेगा अपने आप। अभी आपका टारगेट क्या एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोविजन मशीन बनेगी तो ऑटोमेटिकली आगे इसको ज्वाइन करेगी, तो उसके लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले दोबारा से ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जा रहा हूँ, बट उससे पहले एक लॉन्च कॉन्फिगरेशन बनाना पड़ेगा मुझे, कल वाला आई थिंक पहले से बना हुआ होगा तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ये बना हुआ पहले से ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है ना, नहीं तो एक काम कर दो, इसको आप डिलीट ही कर दो, और एक नया क्या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। वो
ऑटो स्केलिंग सर्विस फ्री है। कौन सी EMI थी? इस EMI से मुझे सेटअप करना है मशीन। सेम मुझे 1 GB रैम चाहिए इसके अंदर, और एडिशनल मुझे एक काम करवाना है खाली, बस जैसे मेरा मशीन बूट करे तुरंत एक कमांड चले, सूडो सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे और सूडो सिस्टम CTL इनेबल क्या STT PD, क्योंकि अपाचे इंस्टॉल्ड है बट मैंने उसको चेक कॉन्फ़िग नहीं किया हुआ अपाचे को ना, तो शायद मशीन तो बन जाएगी बट उसका अपाचे अपनी आएगा उसमें ना, और अपाचे अपनी आएगा ना तो बैलेंसर में क्या आएगा, मशीन अनहेल्दी आएगा, और जब मशीन अनहेल्दी आएगा ना तो आपका ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। क्लियर ना? ऐड करो यहाँ से, एक नाम नहीं दिया मैंने इसको ना, टेस्ट। ऐड करो 8 GB का सिक्योरिटी ग्रुप जो भी आपको लेना है इसके अंदर, ठीक है। क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस की वाली देनी है मुझे। अब इसके साथ क्या बनाऊँ, इसका एक ऑटो स्केलिंग साथ की साथ एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहा हूँ मैं, किस नाम से? लिनक्स सर्वर नाम से। स्टार्टिंग कम से कम कितना हो, एक स्टांस से हो, और स्टांस कहीं भी चल पाए ना, स्टांस कहीं भी ऐड कर दो। और ऐड होने के बाद एक काम करना है खाली बस, क्या जैसे ही आपका स्टांस क्या हो, प्रोविजन हो, तुरंत वो जाके क्या कर दे अपने आप, नहीं समझे, इस टारगेट ग्रुप में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अब पूछ रहा है कि स्टांस के साथ में कम्युनिकेट कौन करे, बैलेंसर करे या EC2 मॉनिटरिंग करे, दोनों फर्क होता है पता है क्या? अगर तुमने हेल्थ चेक का टाइप क्या लिया, EC2 लिया ना, तो ऑटो स्केलिंग अपाचे बंद होने के बाद मशीन को रिक्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि EC2 की हेल्थ चेक क्या होती है, बस मशीन पिंग हो रही है, उसको अपाचे से मतलब नहीं है। अगर आपने मॉनिटरिंग टाइप क्या लिया, अगर PLV लिया ना, इसका मतलब तुम बता रहे हो ऑटो स्केलिंग से, बोल रहे हो कि मशीन की स्टेट की इंफॉर्मेशन यू विल आस्क विद द ऑटो स्केलिंग, सॉरी बैलेंसर। दो तरीके काम करने के देखो, दो तरीके काम करने के, ये रखा हुआ है ऑटो स्केलिंग अलग से, ये कौन सर्विस है आपकी, ये आपकी ऑटो स्केलिंग सर्विस, ये आपके स्टांस हैं, ठीक है, और ये आपका बैलेंसर। ऑटो स्केलिंग क्लाउड वॉच में, क्लाउड वॉच से पूछ रहा है, क्लाउड वॉच सॉरी पूछ रहा है ऑटो स्केलिंग से कि तुमको मॉनिटरिंग करने के लिए मैट्रिक्स ELV से पूछनी है या EC2 से। अगर तुमने यहाँ पर EC2 लिया तो इसका मतलब ऑटो स्केलिंग सीधा सीधा क्लाउड वॉच से बात करेगा, और क्लाउड वॉच खाली वन इस सिस्टम की नेटवर्क रीचेबिलिटी मालूम करेगा। अगर मशीन रीचेबल हुआ तो मैट्रिक्स पास हो गई, ऑटो स्केलिंग कोई एक्शन नहीं लेगा। बट कल को इस मशीन में अपाची शट डाउन हो गया, तब भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मशीन क्या है, हेल्दी है। क्यों? क्योंकि EC2 की जो मॉनिटरिंग होती है ना, बस उसमें क्या होता है, खाली बस मशीन रीचेबल आ रही है तो मैट्रिक्स पास हो जाती है अपने आप। कौन सी वाली मैट्रिक्स, जो कल मैंने आपको दिखाई थी आपको, दो मैट्रिक्स। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, कल को मेरी सर्विस प्रॉब्लम करे ना, तब भी मेरा मशीन क्या हो, डिलीट होना चाहिए और नया मशीन बनना चाहिए। तो मशीन के अंदर की जो मॉनिटरिंग की बात करते हैं हम लोग, कि अपाचे की अगर फॉल्ट प्रॉब्लम आए तब भी मेरा मशीन क्या हो, अनहेल्दी आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी मॉनिटरिंग कौन करेगा फिर, कौन करेगा, ELV करेगा। तो EC2 अगर लोगे ना तो आपको ऑटो स्केलिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मशीन फॉल्ट हुआ तो मशीन बनेगी, सर्विस में प्रॉब्लम आया तो मशीन नहीं बनेगी। सीधी बात सुन लो, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑटो स्केलिंग में मॉनिटरिंग टाइप कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो ELV और एक EC2। पूछा दोनों में फर्क क्या है, सीधी बात है, आप किस मैट्रिक्स को कंपाइल करना चाहते हो, क्लाउड वॉच से पूछ रहा है। क्लाउड वॉच इंस्टांस की हेल्थ निकालने के लिए EC2 वाली मॉनिटरिंग यूज करे, तो प्रॉब्लम यह है कि सर्विस लेयर पर प्रॉब्लम आई, अगर सर्विस लेयर पर इम्पैक्ट आया तो ऑटो स्केलिंग एक्शन नहीं लेगा। तुम चाहते क्या हो कि स्टांस अनहेल्दी हो तभी मालूम चल जाए हमको, और
और इंस्टांस के अंदर चलने वाली सर्विस क्या करे, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तब भी मशीन क्या रेडी होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया है, और ग्रेस पीरियड बहुत ज़्यादा हो रखा है तो थोड़ा सा कम करते हैं इसको, हैं कितना कर देते हैं, 60 सेकंड कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। पॉलिसी हम कल पढ़ चुके थे हम लोग, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी अप्लाई नहीं की है, और नोटिफिकेशन भी हम कल लगा चुके हैं तो मुझे नीड नहीं है इसकी, और मैंने क्या कर दिया इसको क्रिएट कर दिया है। तो आपका ऑटोमेटिकली मशीन क्या हो गया है, एक इंस्टांस बनना स्टार्ट हो गया। देखते हैं इंस्टांस बनने के बाद बैलेंसर जाके अटैच होता है कि नहीं है पहले, तो पहले इंस्टांस पे आओ और यहाँ आने के बाद देखो पहले एक बार आपका नेटवर्क फुल आ रहा है, बट नेट स्लो चल रहा है ना, 2G 4G का है। तो एक नया मशीन क्या हो रहा है, देखो प्रोविजन हो रहा है, और ये नया मशीन प्रोविजन होने के बाद कहाँ गया होगा, अपने आप कहाँ गया होगा ये देखो। अगर टारगेट ग्रुप में हेल्दी होगा ना तो ऑटो स्केलिंग में हेल्दी आएगा। अब ऑटो स्केलिंग स्टांस से सीधा बात नहीं करेगा, अब ऑटो स्केलिंग सीधा बात कर रहा है किससे, बैलेंसर से, और बैलेंसर की जो मैट्रिक्स है वो जाके बात कर रही किससे, स्टांस से। मैं डायग्राम समझा दूं आपको, आपको दिखाने के लिए काम करते हैं हम लोग, क्लास की वीडियो ऑन कर देते हैं। अब आपको बोर्ड की तरफ दिखाते हैं हम लोग क्या हो रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है ना बोर्ड आपको, ठीक है ना। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तो ये आपकी मशीन थी, ठीक है। ऑटो स्केलिंग एक एजेंट है जिसका काम क्या है, क्लाउड बॉस से बात करना, किससे, ये क्लाउड बॉस है और ये क्या है, ऑटो स्केलिंग है। ये कहता है मेरा काम है इससे बोलना, और इसके पास एक मैट्रिक्स है कौन सी, जो सिस्टम की नेटवर्क रीचेबिलिटी मालूम करती है, और मेरा काम है सर्वर, मुझसे बताया गया था कि डिजायर्ड वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप से आपने बोल दिया कि तुम्हें 2 स्टांस को 24/7 अप रखना है, अब इनमें से कोई स्टांस प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस स्टांस को आपको टर्मिनेट कर देना है और नया स्टांस प्रोविजन कर देना है आपको, क्लियर। कल को ये वाला स्टांस क्या हो गया, तो ऑटो स्केलिंग क्लाउड बॉस से बोलता है सीधा कि मालूम करके आओ, क्लाउड बॉस को मालूम चल गया कि मशीन क्या हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, डिजायर्ड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये एक नया मशीन प्रोविजन कर देगा, ठीक है चलो। बट कल को तुमने इनके ऊपर अगर बैलेंस लगा दिया, इसके ऊपर एक ऊपर आपने ELB लगा दिया, ELB कहता है मैं भी स्टांस की मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं भी जाके बात करता हूँ उससे। अब तुमने क्या किया, ऑटो स्केलिंग अलग कर दिया है, जो मशीन बन रहे हैं इससे वो जाके ज्वाइन कहाँ हो रहे हैं, बैलेंसर में, ठीक है। लेकिन आज भी ऑटो स्केलिंग में मॉनिटरिंग टाइप कौन सा है, EC2 है। इसका मतलब तुम जो एक्शन ले रहे हो ना, वो एक्शन ले रहे हो इसके ऊपर, EC2 की जो मॉनिटरिंग होती है ना बाय डिफॉल्ट। क्लाउड वॉच में एक मैट्रिक्स है बाय डिफॉल्ट कि एक स्टांस की नेटवर्क रीचेबिलिटी मालूम करनी होती है ना। अभी भी ऑटो स्केलिंग यहां पे अपाचे रनिंग है, ये अपाचे क्या हो गया, यहां से अपाचे स्टॉप हो गया ना। अभी भी क्लाउड वॉच में ये वाली मैट्रिक्स पास हो जाएगी, क्यों, क्योंकि EC2 की मॉनिटरिंग में लिखा हुआ खाली बस कि सिस्टम का अपाना ही क्या होता है, मेरे लिए सिस्टम हेल्दी होता है। तो मैं चाहता क्या हूं कि मेरा अपाचे डाउन जाए ना, तब भी ऑटो स्केलिंग क्या करे, इस मशीन को यहां से टर्मिनेट कर दे। तो सीधा सीधा मैंने ऑटो स्केलिंग का जो आउटपुट है, मैंने ऑटो स्केलिंग से बोला है कि तुमको जाके इससे बात करनी है, अगर इसके पास मशीन हेल्दी है तो तुम्हें एक्शन नहीं लेना है, अगर ELB बोल रहा है कि मशीन क्या हो गई है, अनहेल्दी हो गई है, तब जाके तुमको ये वाला मशीन करना क्या है, टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग के लिए, ऑटो स्केलिंग के पास 2 टाइप की मैट्रिक्स है, एक तो EC2 मैट्रिक्स और एक ELB मैट्रिक्स। ELB के आने से एप्लीकेशन पे आने वाली प्रॉब्लम के बाद भी आप स्केलिंग कर सकते हो,
ईसी टू वाली मैट्रिक्स से सिर्फ इंस्टांस लेवल प्रॉब्लम आएगी तभी मशीन बनेगा, अदरवाइज मशीन नहीं बनेगा। तो मोर पावरफुल कौन सा है, कहने बात ना। तो देखो एक काम देखते हैं हम लोग आपके, एक तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या हो गया अपने आप, नहीं समझे, जैसी मशीन क्या हुआ है आपका, जैसी मशीन प्रोविजन हुआ अपने आप क्या हो गया, ये इसको पहले मिनिमाइज कर देते हैं। जैसी आपका मशीन क्या हुआ, सेटअप हुआ, आके इसने ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप सॉरी टारगेट ज्वाइन कर लिया। और टारगेट ज्वाइन करने के बाद आप चाहो तो आप लोग एक काम कर लो, अपना वेब सर्वर का कर लो यहाँ से। आप लोग कहाँ से, ये तुम्हारी कंपनी का वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप ओपन कर लो। क्या गया, वेब सर्वर विल यूज इनटू द ऑटो स्केलिंग। अब कल को मुझसे क्या हुआ, मेरी सर्विस क्या हो गई, यहाँ से कहाँ गया मैं, किसके अंदर गया मैं, इस सिस्टम में गया। और जाने के बाद मुझसे क्या हुआ, इस सिस्टम की अपाची सर्विस डाउन हो गई मुझसे ना, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। कहाँ जाके मैंने सिस्टम में लॉगिन किया, देखो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो बेनिफिट क्या हो रहा है। कल के प्रैक्टिकल में ना एक काम करना आप, कल के प्रैक्टिकल में अपाचे डाउन कर देना, तब भी आपका मशीन चलता रहेगा, कभी आपका मशीन रिक्रिएट, क्योंकि कल की जो ऑटो स्केलिंग, कल की जो, हाँ कल की जो मैट्रिक्स थी ना वो ईसी टू पे थी, सिर्फ नेटवर्क फीचेबिलिटी ही प्रॉपर पास हो रही है तो मशीन प्रॉपर चल रहा है। कल के काम में एक काम कर लेना आप लोग, मशीन अपाचे शट डाउन कर देना, आप लाइफ टाइम वेट करो, मशीन सेटअप आपका नहीं होगा। क्यों, कि आज भी आपकी मशीन क्या है, हेल्दी है, क्योंकि यू आर चेकिंग ओनली नेटवर्क लेयर, बट यू वांट टू चेक एप्लीकेशन लेयर, तो तुमको क्लाउड बॉस से बोलना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स पास कर जो ईएलबी यूज करता है। कौन बोल रहा है, ऑटो स्केलिंग कह रहा है कि मुझे वो वाली मैट्रिक्स निकाल के दे जिन मैट्रिक्स से ईएलबी बात करता है स्टांस से आके, समझ लो। यानी ईएलबी की मतलब है क्लाउड वॉच में ईएलबी वाली कुछ मैट्रिक्स रखी है पहले से ऑलरेडी। तो मैं बोल रहा हूँ ऑटो स्केलिंग से, मैंने बताया इसको ऑटो स्केलिंग को, कि क्लाउड वॉच से आके पूछ यार वो वाली मैट्रिक्स चला स्टांस के ऊपर जिन मैट्रिक्स को कौन यूज करता है, बैलेंसर यूज करता है। वो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है कि मैं अपाचे सर्विस चेक करूंगा, वो पास नहीं हो पाई तो सर्विस क्या पड़ी है, डाउन पड़ी है, तो आउटपुट क्या आया, अनहेल्दी आ गया, तो मशीन क्या हो गया, अनहेल्दी हो गया अपने आप में। क्लियर। तो फटाफट से मैंने क्या किया, उस सिस्टम पर लॉग इन किया पहले, और आपको दिखाने के लिए मैंने वो सिस्टम को मैंने शट डाउन कर दिया। किसको, मैंने इसमें लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद देखो मैंने सिस्टम को लॉगिन करने के बाद क्या किया, एक काम कर दिया मैंने। देखो अभी बाय डिफॉल्ट ना आपको दिखा रहा हूं मैं, कि देखो बैकएंड में बार बार आपका बैलेंसर इसकी स्टेट चेक करता रहता है, लॉग कहाँ रहे हैं इसके, वेयर के अंदर, लॉग के अंदर कौन सी फाइल है, एक कौन सी लॉग, बाय डिफॉल्ट ना टेल कमांड इसमें है नहीं क्या, बाय डिफॉल्ट ना, देखो दिखा रहा है अपने आप में, ये बैकएंड में ईएलबी नाम का बैलेंसर है जो इस सिस्टम की हेल्थ चेक कर रहा है, बार 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 इस पेज को ओपन कर रहा है इसको, और जब जब पेज ओपन हो रहा है मशीन क्या आ रही है, हेल्दी आ रही है। अब मैंने क्या कर दिया, इस कंट्रोल सी मार के यहाँ से इसको बंद कर दिया, और मैंने सर्विस कौन सी, सिस्टम सी टी एल स्टॉप एच टी डी पी डी। अब देखना एक बार, अभी भी आपका मशीन क्या, देखो बैलेंसर में जाओ, बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में जाओ, मशीन हेल्दी आ रहा होगा ना, अभी भी मशीन क्या आ रहा है, अभी भी हेल्दी आ रहा है। नहीं 30:30 का टाइम था उसमें, क्लाउड वॉच जो उसकी, इसका जो टाइम प्रिजन था ना वो यहाँ था, यहाँ पे रखा है, ये थे इसके अंदर 30-30 सेकंड के अंदर दो बार चेक करेगा, तब जाके मशीन क्या होगा, अनहेल्दी होगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। तुरंत जैसे यहाँ पे अनहेल्दी आएगा, हाँ
जैसे यहाँ एनएलडी आएगा तुरंत ऑटोमेटिकली कहाँ जाके अपने आप, तुरंत यहाँ भी क्या हो जाएगा अपना मशीन आपका कहाँ जाके, वहाँ एनएलडी आते ही यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका मशीन, यहाँ भी क्या आ रहा है देखो हेल्दी आ रहा है ना। ये हेल्थी क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग कह रहा है क्लाउड बॉस पीसी सॉरी बैलेंसर के लिए हेल्दी है तो मेरे लिए भी हेल्दी है, अगर बैलेंसर के लिए क्या है मशीन अनहेल्दी है तो मेरे लिए भी क्या है मशीन अनहेल्दी होगी। अब स्टेट चेक करना काम किसका है, बैलेंसर का है। अब एक्चुअल में सीधे मान लो खाली बस, अब ऑटो स्केलिंग ईसी टू की मॉनिटरिंग खुद ना करके सीधा बोल दिया कि बैलेंसर से बात करो, बैलेंसर जो बताएगा लाके उस पर काम करना है बैठ के आपको, उसी को मशीन देना है और उसी के स्टेट मशीन डिलीट कर देना है, ठीक है ना। चलो जब तक ये हो रहा है प्रोविजन, मैं एक काम कर देता हूँ खाली बस, इसमें एक लास्ट लेवल कौन सी, बस शेड्यूल्ड के ऊपर जाके आप काम कर सकते हो बैठ के। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, शेड्यूल लगा सकते हो एक्शन कि जैसी क्या हो कब कब, नहीं समझे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप जैसे आप चाहते हो कि हर 5 मिनट पर क्या हो या एवरी वीक क्या हो, एवरी वीक कितने बजे से, एवरी वीक क्या हो, एवरी वीक नाइट, नाइट में क्या हो, कब तक सिर्फ कितने बजे तक, कितना 1 बजे तक, ठीक है ना। कितने स्टांस बन जाए अपने आप, 4 स्टांस। हाँ एक शेड्यूलिंग मैंने आपसे बोला था कि स्टांस प्रोविजन के 3 ऑप्शन है, या तो आके वैल्यू बढ़ा दो अपने आप आके कि यार मुझे इतने स्टांस चाहिए तो डेली यहाँ पे आओ एडिट पे जाओ और यहाँ से अपनी वैल्यू बढ़ा दो आप, कौन सी वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू बढ़ा दो आके आप लोग, ये तो होता है मैनुअल स्केलिंग। अब आए और आपने ऑटो स्केलिंग बढ़ा दिया आपने। एक होता है इसके ऊपर बेस्ड ऑन पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी में एक पॉलिसी और आप ऐड कर सकते हो, रिड्यूस की पॉलिसी। कल तो आपने पॉलिसी ऐड कौन सी की थी, सिर्फ एक्शन पॉलिसी। एक काम और कर सकते हो इसमें यहाँ के आप लोग कि मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाए, अपने आप मशीन क्या हो जाए, कब, जब सीपीयू लेस देन कितना हो जाए, सीपीयू लेस देन कितना हो जाए, नहीं समझे, 30 से कम हो जाए और कंटिन्यूस 1 मिनट के लिए, तो क्या कर दो ऑटोमेटिकली एक स्टांस क्या कर दो उसमें से डिलीट करते जाओ, ठीक है। तो अब करना क्या, सिस्टम का लोड कम कर देना, तो देखना ऑटोमेटिक आपकी जो मशीन बनी थी ना दोबारा से वो अपने आप क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें खाली बस जो आपको ट्राई करनी है अपने आप, एक तो शेड्यूल ऑप्शन देना है आपको, जब शेड्यूलिंग करो ना आप लोग तो एक काम कर लेना, पहले आप अपना पहले आप ये मालूम कर लेना कि सर मुझे अभी के तुरंत 1 घंटे बाद चलाना है खाली बस, मैं घर जा रहा हूँ, मैं एक काम कर जा रहा हूँ खाली बस, 1 आवर के बाद मेरा स्टांस अपने आप क्या हो जाए, प्रोविजन हो जाए। मुझे पता है कि मेरा हर जब मुझे जॉब छोड़नी पड़ती है तो उससे मुझे 2.5 घंटे बाद एक मशीन बनाना पड़ता है, बट मैं लॉग इन नहीं कर सकता बार बार। तो एक काम कर दो अभी, जैसे आप चाहते क्या हो, 5 बजे अभी आप चाहते हो 7 बजे तुरंत मेरा स्टांस क्या हो जाए, अपने आप प्रोविजन हो जाए, कितने बजे 7, ठीक है। तो पहले मालूम कर लो, पहले मालूम करो अभी यूटीसी टाइम कितना हो रहा है अभी ना, कितना हो रहा है अभी 11:30 हो रहे हैं, तो आप चाहते क्या हो 7 PM पे स्टांस क्या हो, नहीं समझे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर कहाँ जाके यहाँ जाओ और एक बार बस, आप चाहते हो सब दोबारा ना चले, सिर्फ 7:30 हो तुरंत स्टांस बन जाए अपने आप, तो यहाँ बताओ पहले डेट क्या है, आज ही चाहते हो ना, आज डेट क्या है, क्या हो रहा है ये, तो अभी टाइम कितना हो रहा है 11, यानी कि 11:12:01, एक का मतलब क्या हो जाएगा
हाँ 13 के आ जाओ अपने आप में, 1 बजे यानी वहां 1 बजेंगे, यूटी टाइम 1 होगा, यहाँ क्या बज जाएंगे आपके 7 बज जाएंगे। ठीक है चलो मैं इसको भी अभी कराए दूंगा आपके लिए, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि स्टांस वो टर्मिनेट हुआ कि। हाँ देखो तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि स्टांस पहले बना रहा है स्टांस, क्योंकि लोड क्या ना हो जाए डिस्ट्रीब्यूट, पहले उसे स्टांस को डिलीट ना करके पहले स्टांस बना रहा है, क्योंकि मशीन क्या हो गई है वो, कौन सी मशीन देखो, वो मशीन क्या हो गई है, अनहेल्दी हो गई है, तो मशीन क्या हो रही है वो टर्मिनेट हो रही है, और उसकी जगह पे नया मशीन क्या हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है। क्लियर। चलो अब मैं एक काम और चाहता हूँ क्या, कि तुरंत कहाँ जाओ, फटाफट से शेड्यूल पे जाओ और एक्शन पे जाओ, अभी के तुरंत कितने मिनट बाद, जल्दी से कर लेते थोड़ा सा हम लोग टाइम, यूटीसी टाइम कितना हो गया, 11:30 हो गया ना, 5 बज के 15 मिनट तो एक काम कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 11:35 हो रहा है ना, जैसे 11 क्या हो, 11:38 हो, डिजायर्ड वैल्यू कितनी हो जाए, डिजायर्ड तो दो अभी एक चल रही है ना, एक वैल्यू, और मैक्स कितना है स्टांस, 3। ठीक है, या डिजायर्ड वैल्यू भी मैंने बराबर कर दी, कितनी अभी एक स्टांस है ना, दो दो कर दिया मैंने, कब 40 पे, और नाम क्या मैंने दिया इसको, वन टाइम। अब देखते हैं क्या होता है, अब जैसी क्या होगा, अच्छा डेट देनी पड़ेगी आपको, ईयर कितना है 2019, मंथ क्या है 08, और डेट क्या है 18। ये पॉलिसी क्या होगी, इसमें सेव हो गई, अभी तुम्हारे पास कितने स्टांस हैं करंट में, करंट में एक स्टांस है ना बस, अब जैसी टाइम क्या होगा, अभी टाइम कितना हुआ, 11:35 हुआ है ना, जैसे ही 11:40 होगा यहाँ पे तुरंत यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाए अपना ये स्टांस बनना चाहिए अपने यहाँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है देखो ये स्टांस अपने आप क्या हो गया है, बन गया, वो स्टांस क्या हो गया अपने आप टर्मिनेट हो गया है, और बनने के बाद बैलेंसर में जाके ज्वाइन हो गया अपने आप, और फिर से वेब पे चलाओ तो फिर से क्या आ रहा है, फिर से क्या आ गया, वेब सर्वर। क्लियर ना, एक मिनट वेट करते हैं थोड़ा सा। डेट सही दिया है ना हमने, अठारह है, सही दिया ना, कितना 11:40 हो गया। अब देखते हैं कि आपकी पॉलिसी पहले यहां से कही कि नहीं पहले ना, हाँ यहां से पॉलिसी क्या होगी अपने आप, पॉलिसी चली गई, पॉलिसी जाने के बाद स्टांस बना कि नहीं बना पहले देखते हैं पहले। हाँ तो एक स्टांस अपने आप क्या होगा बनना, नहीं समझे, कहाँ जाओ स्टांस पे जाओ, टेस्ट पे जाओ, तो एक स्टांस ऑटोमेटिक क्या हो रहा है अपने आप बनना स्टार्ट हो गया। क्लियर ना, तो ऑटो स्केलिंग खाली आपको बस लॉन्च मीनिंग इंटरव्यू लेवल से आपको कूल डाउन टाइम क्या होता है, बैलेंसर से इंडिकेट क्यों करते हैं इसको हम लोग, ईएलबी का मैथ मतलब क्या है, ईसीटू का मतलब क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है, डिजायर्ड वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्स वैल्यू क्या रहती है, ठीक है, और पॉलिसी क्या क्या है इसके अंदर, एक्सटेंड की पॉलिसी क्या है, अलार्म क्या होता है, अलार्म कौन दे रहा है इसके अंदर बैकएंड में, ये सब चीज़ें बस इंटरव्यू मालूम होनी चाहिए प्रॉपर आपको। ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑटो स्केलिंग क्या होता है,